अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रीड काकिर यूट्यूब चैनल के साथ खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील की कि आप ब्राज़ील का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ब्राज़ील का बहुत सस्ता वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। इसकी वीज़ा फीस सिर्फ और सिर्फ $70 है और इसकी जो करंसी है वो ब्राज़ीलियन रील करंसी है, जो कि पाकिस्तानी 56 रुपीज़ के इक्वल है। इसमें ना तो यूरो चलता है ना इसकी कोई बहुत ज़्यादा हैवी करंसी है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन 214 मिलियन है। नेबरिंग कंट्री की बात की जाए तो इसके नेबरिंग कंट्री में अर्जेंटीना है, फ्रेंच गियाना, सूरीनेम, कोलंबिया, और ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। ग्रीनरी के हवाले से बहुत ज़्यादा जाने जाने वाला कंट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है लोग, और बहुत ज़्यादा टूरिज्म की जो तादाद है वो इसी कंट्री में, टूरिस्ट की जो तादाद है वो ग्रीनरी देखने, माउंटेन देखने और खूबसूरत इसका इलाका देखने के लिए आती है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो अगर आपने पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हुए ब्राज़ील का वीज़ा हासिल करना है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ तक के लिए वैलिड हो। आईडी कार्ड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो MRC, अगर अनमैरिड हैं तो FRC आपके पास होनी चाहिए। ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपने कवरिंग लेटर भी तैयार करना है। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, टिकट बुकिंग, होटल रिजर्वेशन और ये तमाम डॉक्यूमेंट के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ की सैलरी डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो चैम्बर का कार्ड है तो वो प्रोवाइड कर, अदरवाइज आप लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लाजमी डाउनलोड करना पड़ेगा और वो प्रॉपर फिलअप करना पड़ेगा। जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और आपको FRC प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो तीनों डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर से अटेस्टेड करवा के उसके बाद ये आपने सबमिट करवाने होते हैं। आपने अपने कंट्री से जो करीबी आपकी एम्बेसी है वहाँ पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट की एक केस और फाइल तैयार करनी है और उसको ऐसी में आपने सबमिट करवा देना है। आपको 14 से 30 दिन के अंदर अंदर इसका डिसीजन आ जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी तो आपका वीज़ा जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरे साथ इस वक्त इरफान साहब मौजूद है और इसके साथ साथ फयाज साहब मौजूद है मेरे साथ। आज हम इनसे राय पूछेंगे कि ये फॉरेन कंट्री में जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और किस कंट्री में जाना चाहते हैं और इनकी राय क्या है। जब मैं इंशाल्लाह हाफ साहब के लिए से चाइना के लिए ना अप्लाई करने के लिए इनसे मिलता हूँ और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, और मेरा शौक है कि मैं चाइना जाऊँ और उधर का विज़िट करूँ, और इंशाल्लाह इनकी हाफ साहब की वीडियो देखी है और उम्मीद है कि वो मुझे बेहतर गाइडलाइन देंगे। मैं भी हाफ साहब की ये वीडियो से बहुत मुतासर हुआ हूँ और मैं भी अब चाइना के लिए अप्लाई करूंगा। जैसे कि मेरे बॉस इरफान साहब जा रहे हैं, मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी इन्हीं के साथ ही जाऊंगा। शुक्रिया। उम्मीद है आज की मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए।